अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र ना फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र अशकी अम्बिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तशद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से, औलिया अल्लाह के विलायत के फैज़ान से सिरातुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को क्या मर्तबा अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से इसका इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला पहले के हालात बता रहे हैं कि लोगों के पहले हालात क्या थे बेटियों के ताल्लुक से। सूरह नहल आयत नंबर 59, अऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसको, उस खबर को बुरा समझकर लोगों से छुपता फिरता और सोचता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या इसको जमीन में गाड़ दे। सुन लो, बुरा है वो फैसला जो ये लोग करते हैं। ये अल्लाह ताला उनके हालात बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझ रहे। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यह ख्याल था लोगों का कि लड़की होती तो उसको बुरा समझते और लड़की को अपने पास रखना, यानी बेटी, बेटी को अपने घर में रखना उसको क्या समझते, जलील समझते, अपने आप को वैसा होना जलील समझते। इसको क्या समझते, बेटी को, बेटी को मनूस समझते, बेटी, बेटी को शैतान समझते, बेटी को बेबरकत समझते। बेटी का, बेटी का यह मुकाम था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, मिलादुन्नबी से पहले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों का मुकाम बताया तो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर किसी को फायदा हुआ, कायनात के जर्रे जर्रे को फायदा हुआ। तो हम आज सिर्फ ये देख रहे हैं, एक 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 गोशा देख रहे हैं सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को क्या मुकाम अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को कहां पहुंचा दिया, जो बाप बेटी पैदा होती तो शैतान समझता, मनूस समझता, बेबरकती समझता और उसको खतल करने में इज्जत समझता और उसकी परवरिश करने में अपने आप को जलील समझता। ये सोच को खत्म किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बेटियों का मुकाम अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटियां हैं, चार, चार शहजादियां हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहले नंबर पर जो शहजादी हैं, सैयदा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला बिनते हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरे नंबर पर जो शहजादी है, सैयदा हजरत रुखैया रजी अल्लाह तआला अन्हा बिनते हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरे नंबर पर जो शहजादी हैं, सैयदा हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तीसरे, चौथे नंबर पर सैयदुन्निसा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला। हम तीनों बेटियों को ज्यादा याद नहीं करते, तीनों बेटियां नबी करीम, चारों बेटियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा का मुकाम बड़ा है, सैयदा सैयदुन्निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, मगर तीन और बेटियां भी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक लम्हा लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का उस वाय हसना है। जब लोग बेटियों को बुरा समझते थे, नबी करीम चार बेटियों को प्यार से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से देखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार बेटी, एक बेटी को लोग जो है ना रखना पसंद नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटियां हैं, चार, चार शहजादियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहली शहजादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद, देखिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ रहे, हम नबी करीम सीरतुल नबी पढ़ रहे, एक वाकिया भी सीरतुल नबी मिलाद का पढ़ के इंशाल्लाह बेटियों के बारे में आते। एक यहूदी चीखते हुए निकल गया मक्का में, जो विलादत की जो मौका था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की जो नाइट थी, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शब आई, उसने सितारा देख लिया, जो तौरात और इंजील में जो उनका निशानियां थी, वो सितारा तुलू हो गया, वो सितारा, वो तुलू होने की निशानी थी, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा तुलू हो गया।
अब उसने आके पूछा, ए कुरैश तुम्हारे घर में कोई लड़का पैदा हुआ, कोई फर्जंद पैदा हुआ? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, पता करते हैं। जब पता किए तो पता चला सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला के घर में एक फर्जंद है। उसने कहा कि मुझे दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ। तो रिक्वेस्ट पर जो है ना उनको दिखाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ते मुबारक हटाकर मोहरे नबुवत को देखा। जैसा ही मोहरे नबुवत को देखा चीख मार कर बेहोश हो गया। जब उसको होश में लाया गया कहने लगा बनी इसराइल से नबुवत जा चुकी है, अब बनी इस्माइल में नबुवत आ गई है। नबी आखिर जमा तशरीफ ला चुके हैं। उसने गवाही दी नबी आखिर जमा तशरीफ ला चुके हैं। अब ये कद ऐलान नबुवत है। वो कहते हैं कि नबुवत तो 40 साल के बाद मिली। वहां पर ये सीरतुल नबी की तमाम किताबों में मौजूद है। ये कोई छुपी हुई कहानी, छुपी हुई बात नहीं है। सीरतुल नबी की तमाम किताबों के राहिब का जो है ना चीखना पुकारना, तमाम किताबों में मौजूद है। किसी भी सीरतुल नबी को उठा के तो ये वाकया मौजूद है। बुहेरा राहिब के बारे में तमाम किताबों में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के 3 सफर फरमाए, 2 मुल्क शाम के लिए, 1 यमन के लिए। जो पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए सफर फरमाए हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला के साथ, जब आप जो है ना आपकी उम्र मुबारक जो है ना कितनी थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ तिजारत का सफर फरमाए। जब बुहेरा राहिब के पास रुके, बुहेरा राहिब ने कहा ये तुम्हारे साथ जो है ये नबी आखिर जमा है, क्योंकि बादल इन पे साया करता है, इनको हजर और शजर सजदा करते हैं, इनको हजर भी सजदा करते हैं, शजर भी सजदा करते हैं, बादल इनका साया करता है, और देखना इनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबुवत है। ये नबी आखिर जमा है, ये बनी इस्माइल में आ गए, ये बनी इसराइल जो है ना इनके जो है ना खिलाफ है, शायद इनको जो है ना नुकसान पहुंचाए, आप तिजारत का सामान यहीं फरोख करके वापस चले जाए। ये तो ऐलान नबुवत से पहले ही नबुवत की दलीलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक 25 ईयर्स तिजारत का सामान लेके पहुंचे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का, तो नस्तूरा राहिब से मुलाकात हुई। मैं एक इशारे देखे, पूरा वाक्य ना इशारे देखे, नस्तूरा राहिब से मुलाकात हुई। नस्तूरा राहिब कहते हैं मैसरा किन को साथ लेके आए? बोले ये तो मक्का के हैं, ये खुरैश के हैं, बनू हाशिम में से हैं, ये सादिक और अमीन हैं। उसने कहा सादिक अमीन तो हैं, ये अल्लाह के नबी भी हैं, ये नबी आखिर जमा हैं। ये नस्तूरा राहिब कहता है मैसरा तुम गवाह रहना, मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह ताला तमाम आलमीन के लिए परवरदिगार है, ये तमाम आलमीन के रसूल है, मैं गवाही देता हूं। नस्तूरा राहिब कहते हैं नस्तूरा राहिब कहते हैं मैसरा तुम गवाह रहना, अगर अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, काश अल्लाह ताला मुझे जिंदगी देते, उसे बताया मैं मर जाऊंगा, काश ये मुझे अल्लाह ताला जिंदगी देते और ये ऐलान नबुवत करते तो मैं इनके साथ इनकी मदद करता, आखिरी दम तक इनके साथ रहता। ये सीरत की किताबों में छुपी हुई बातें नहीं है, तमाम कह रहे हैं भाई नबुवत जो है ना 40 साल के बाद मिली, ये वाकियात किस लिए? मैंने पढ़ा ईसा, लिखा ईसा, पढ़ा हुआ मूसा, ईसा लिखे हुआ है, पढ़ रहा मूसा। मिसाल देते समझने के लिए, मतलब जो पढ़ा उसको समझ नहीं आई, पढ़ा एक समझा एक, ये मिसाल है उसकी। तो यहाँ पर देखें ये जो वाकया थे तो ये सारा बताया गया। अब हम जो है ना हमारे उनान की तरफ आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत थे। नबी जो हम सीख रहे हैं मिलादुन नबी से पहले बेटियों का क्या मुकाम था, बेटियों को लोग जिंदा दफन कर देते, बेटियों को जिंदा दफन कर देते, पत्थर पर रखते, बेटी पैदा होती पत्थर पर रखते बड़ा पत्थर डाल देते, बेटी को मार देते, खत्म कर देते, और बड़ी शान समझते। अगर बेटी को घर में रखे तो जिल्लत समझते। एक वाकया, ये वाकया बयान करना आसान नहीं है, ये वाकया बहुत 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 जिगर चाहिए उसके लिए, मगर मैं जाहिल आदमी कैसा भी बोल लेता ना, जाहिल आदमी के लिए मुश्किल नहीं रहती, मेरे जैसे जाहिल आदमी के लिए आसानी होती, मगर पढ़े लिखे आलिम दीन अल्लाह वालों के लिए वाकया बयान करना बहुत मुश्किल है। ये वाकया वाकया ये है, एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम से पहले आपकी बारगाह में आने से पहले बहुत मुश्किल में थे, बहुत चीज़ों में थे, अल्लाह ताला ने हमें जो है ना जहालत से निकाला। फिर आप फरमाते कि मेरी ज़िंदगी एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। एक वाकया ऐसा है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं याद करता हूँ तो मैं रोना नहीं रुकता मेरा, और जब मैं एक वाकया ऐसा है कि जब मैं उसको याद करता हूँ तो हंसना नहीं रुकता मेरा। तो उन्होंने पहले रोने का वाकया बताया कि रोना कैसा नहीं रुकता है,
तो सहाबी रसूल अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जब बेटी पैदा होती तो मैं लेके जाता और उसको ज़िंदा दफन कर देता। मेरी तीन बेटियां पैदा हो गई, मैंने तीनों को ज़िंदा दफन किया, तीनों को ज़िंदा दफन किया। चौथी बेटी मेरी बीवी के शिकम में आई तो मुझे सफ़र पर जाना पड़ा। मुझे कहाँ सफ़र पर जाना पड़ा, तो मैंने अपनी बेटी बीवी को बुलाया, बुलाकर नसीहत की कि देखो जब ये मेरी बेटी, अगर ये बेटी पैदा हुई तो जैसा मैंने तीनों को दफन किया है, तुम चौथी को भी दफन कर देना, ये शैतान हमारे घर में नहीं आ सकती। शैतान कहते थे पहले, अगर बेटा पैदा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अच्छे से ख्याल रखना उसका। मैं जो है ना बड़े सफ़र पर जा रहा हूँ, ये वसीयत करके वो चले गए। जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई, वो चार साल लगा उनको आने के लिए वापस। वो बेटी कितने साल की हो गई, चार साल की होगी। माँ तो बेटी को दफन नहीं करेगी ना। उसने देखा था कि मैं एक बुढ़ापे की जो है ना उम्र में पहुँच चुकी हूँ, मेरा शोहर भी बुढ़ापे की उम्र में पहुँच चुका है, अब औलाद मुश्किल है, आखिरी औलाद है, बेटी है, बेटा है, मेरी औलाद है, उन्होंने रख लिया। मगर जब शोहर आया तो बाजू पड़ोसी में यहूदी था, एक बूढ़ा यहूदी था, उसके पास बेटी को छुपा देते, दिन में बुला लेते, शोहर काम पर जाता, दिन में बुला लेते, बेटी से खेलते, रात में बाजू देते थे बेटी को। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दिन के टाइम पे शोहर घर पे आ गए और वो बेटी से खेल रही, और उस शोहर में वो जो सहाबी रसूल है, वही शोहर अभी ईमान नहीं लाए थे, उनकी आंखों में खून कि ये शैतान मेरे घर में कैसा, और तुम इससे इस तरह से खेल रही हो, बेटी बेटी कह रही हो, कौन है बताओ, इसका रिश्ता क्या है तुमसे। तो वो पैरों में गिर गए, वो औरत कहती है ये तुम्हारी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मैंने जो है ना तुमसे झूठ बोला था, देखो ये दिखने में मेरी तरह है मगर हरकतें तुम्हारी तरह करती है, देखो ये इसे तो ना छोड़ो, क्योंकि ना तुम्हारी उम्र मेरी उम्र खत्म हो गई, अब हमें औलाद नहीं होगी, ये हमें रखने दो। बहुत समझाया तो बीवी के रोने पर, समझाने पर बात समझ में आ गई। मगर जब माशरा कैसा था, सब लोग चुड़ाते थे इनको, सताते थे कि शैतान को पार रहा है तू, बेबरकती तेरे घर में पड़ रही है, बेबरकती तेरे घर में पड़ रही है, शैतान तेरे घर में पड़ रहा है। जब लोगों की बातें बार बार, इसीलिए देखें हम जो हलके में जमा होते हैं ना, तो हमें बार बार ये बताया जाता है कि ये खुदा है, ये इला है, वो हाजत रवा के बामाने हाजत रवा। देखिए मक्का मुकर्रमा में, देखें दीन समझना है तो अरबों से समझना है, माबूद के माने वहाँ क्या लिया जाता, हाजत रवा के लिया जाता, जो हमारी हाजतें पूरी करता वो इला। तो उन्होंने दो माबूद बनाए थे, एक अल्लाह भी है, वो अल्लाह को भी मानते थे, मुशरिक मक्का अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह के साथ वो कहते थे अल्लाह भी है और ये बुद्ध भी है माबूद। वो मुशरिक मक्का रहे, अल्लाह को भी मानते थे, बुतों को भी मानते थे, और हम आज अल्लाह को भी मानते हैं, तमाम कायनात को हाजिर रहा माने हुए हम मुसलमान। वो करे तो मुशरिक मक्का और हम मुसलमान, ऐसा कैसा, वही हालत पे हम ठहरे हुए। वो माबूद खाने कबा में रखे थे, हम तमाम माबूद को अपने दिलों में रखे थे। फर्क इतना है, हमारे दिलों में माबूद है हाजत रवा, इन हाजत रवा, इन हाजत रवा, इन हाजत रवा, मगर वो काने कबा के अंदर रखे थे 360, हम जो है ना कई लाख बुत हमारे दिल में रखे थे। हम अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो वो जो है ना माहौल, हमारे अंदर भी माहौल यहाँ बैठे हैं, बात ये गलत है, माहौल की वजह से बड़ा असर होता है। तो हमारे पास जो जितना माहौल है कि ये इससे इसके बगैर क्या होगा, उसके बगैर क्या होगा, उसके बगैर क्या होगा, उसको हटाने के लिए जो हमें होमवर्क दिया गया है, अगर हम होमवर्क नहीं करें डेली का होमवर्क, और वीकली आके अगर होमवर्क को जो है ना रिवाइज नहीं कर लें, तो हम वो माहौल में फंस जा सकते हैं। माहौल बड़ा ख़तरनाक होता है। माहौल जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहबत के बारे में मिसाल देके फरमाई, जब तुम अतर की दुकान पे जाते हो तो मुमकिन है कि अतर वाला तुम्हें अतर तोहफे में दे दे, अगर वो अतर तुम्हें तोहफे में ना भी दे तो तुम उस दुकान में बैठने की वजह से तुम्हारे कपड़ों के अंदर खुशबू पैदा हो जाएगी। और तुम जब लोहार की दुकान पर जाते हो, कुछ ना भी लगे तुम्हें मगर वहां बैठने की वजह से, उस भट्टी में बैठने की वजह से बदबू तुम्हारे कपड़ों में लग जाती, अगर कुछ लग गया तो फिर और खतरनाक है वो। तो हम माहौल, हम तो किसी को रोक नहीं सकते कि हम दुनिया में तमाम, हम जितने हफ्ता औलिया अल्लाह के साथ ही काम करते, क्या हम सब लोगों से मिलते जुलते होते हैं, तो माहौल बड़ा खतरनाक है। तो उनको माहौल ने कहा कि शैतान तुम्हारे घर में परवरिश कर रही है, आपने फैसला कर लिया कि मैं ये शैतान को खत्म करूंगा। देखो
ये था, ये अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 59 में इसका तस्करा भी किया। ये सोच थी पूरी, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेटियों को अल्लाह ने, औरतों को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। जब औरत ही नहीं रही तो बेटी कहां रहेगी, बीवी कब बनेगी, मां कब बनेगी, बहन कब बनेगी। बेटी से शुरू होती है, बेटी से शुरू होके तीन रिश्ते पाती हो, जब बेटी ही नहीं रही तो बहन कहां रहेगी, बीवी कब बनेगी और मां कब बनेगी। एक ऐसा बुनियादी रिश्ता था जो बुनियादी रिश्ते को खत्म कर दिया जा रहा था। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलादुन नबी, हम देखे औरतों को जो ना, और हमें भी देखे, हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, औरतों को भी अल्लाह, हमें क्या शुक्र अदा करना है, मिलादुन नबी के सदके में हमें बेटी भी मिली, मां भी मिली, बहन भी मिली, बीवी भी मिली। हाँ देखे, ये तो ये रिश्ते जो है ना कितने मुबारक रिश्ते, माँ का रिश्ता, माँ का रिश्ता अलग है, बीवी का रिश्ता भी सुभान अल्लाह, बहन का रिश्ता भी मुबारक रिश्ता है, बेटी का रिश्ता भी बहुत मुबारक रिश्ता है। उन्होंने सोचा कि ये मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, मगर बीवी को बताया नहीं, दिल में रख ली बात। उन्होंने कहा कि ये बेटी मेरी भी है ना, तो मेरे सास होगी आज, तो बहुत खुश हुई माँ कि ना अभी ये मेरी बेटी की तरफ दिल लग रहा है इसका, शोहर का। तो जो है ना शोहर के साथ दे दिया, वो सो गए। जैसा ही बीवी सो गई, ये रात के टाइम पे देखे बीवी सो गई, बेटी को लेके निकल गया बाहर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ईमान लाने से पहले का किस्सा बता रहे हैं सहाबी रसूल। जब निकले तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए। जब ठोकर लगे गिरे तो बेटी जो ना होशियार हो गई, मार चोट लगी तो माँ माँ कहने लगी, तो माँ माँ कहने लगी तो ये आवाज़ आएगी बोलकर उसको जल्दी जल्दी खींचने के चक्कर में उसके बाल पकड़ के भी खींच दिए, उसको लेके चले गए। अब वो कह रही बाबा बाबा बाबा, वो बाबा कह रही है क्योंकि ना थोड़े दिन रहा था ना, वो बाबा बाबा कह रही है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, माँ माँ कह रही है कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आँखों पर पट्टी पड़ गई। देखो एक माहौल की पट्टी जब पड़ जाती है तो बेटी नज़र नहीं आती तो खुदा भी नज़र नहीं आता। माहौल की पट्टी बड़ी खतरनाक है, तो ये माहौल की पट्टी को तोड़ने के लिए अपन वीकली हल्का रखे इधर, ये औलिया अल्लाह का सदका, अपन का रखे औलिया अल्लाह का सदका है। यहाँ बैठ के अपने ईमान को तजदीद करते हैं तो एक हफ्ता बैटरी लो लो होके चलती, आखिरी आखिरी दिन तो, हफ्ते का दिन तो पूरी बैटरी लो हो जाती, खत्म हो जाती बैटरी। मैं तो अपनी बात करूँ, पूरी बैटरी लो हो जाती, जीरो हो जाती है, उनको सिग्नल ही नहीं आते वहाँ पर। तो ये एक हफ्ता जो है ना वो बैटरी को चलाने का है, ये बैटरी चलाने। तो वहाँ से जब आगे गए तो गड़ा खोदा, अब खबर खोद रहे कि तो बच्ची बड़ी है ना, 4 साल की हो गई है। पहले क्या था, छोटे बच्चों को डाल लेते थे, मट्ठी डाल देते थे, वो बच्ची बड़ी है। खबर खोद रहे तो मट्ठी कपड़ों पे लग रही है बाप के, तो झटक रही है बेटी, बाबा आपके कपड़ों पे मट्ठी लग रही है, अपना ख्याल रखो। वो समझ नहीं आ रही बात, वो बात समझ नहीं आ रही, पट्टी इतनी खतरनाक है, लोगों की माहौल की पट्टी। तो अगर माबूद की पट्टी हमारे अंदर आ जाए, अल्लाह ताला समझ नहीं आते, रसूल अल्लाह समझ नहीं आते, कुरान समझने नहीं आता, दीन समझने नहीं आता, खाली वो पट्टी रहती, दुनिया कमाना है, माल कमाना है, हराम हलाल समझने नहीं आता। अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो पट्टी निकालना है, वो पट्टी माहौल की पट्टी पढ़ने नहीं देना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का चश्मा है ना अपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने खबर खोद दी बच्ची की, बच्ची को खबर में फेंक दिया। अब मट्ठी डाल रहे हैं तो बच्ची इधर जा रही है, बच्ची इधर जा रही है, अब वो खबर में मट्ठी बच्ची के ऊपर नहीं आ रही बार बार। वो नहीं, ये बच्ची इस तरह से फिरते रहे तो मेरी बीवी उठ के ही आ गई तो भी बच्ची बच जाएगी, फिर पूरा पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कहा ये बच्ची तो काबू नहीं हो रही है, बच्ची इधर जा रही है, बार बार कह रही है बाबा बाबा बाबा, बाबा को कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने बड़ा पत्थर लिया, उसके सर पर मारा और वहीं जो है ना उसका इंतकाल हो गया। अब वो कहते हैं जब ये इस्लाम ला लिया, वो अब इस्लाम लाने के बाद वो कहते हैं मुझे आज भी आवाज़ सुनी आती है रसूल अल्लाह बाबा बाबा की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी हो और वो खुश हो जाए तो अल्लाह ताला उसको और मुझे ऐसा जन्नत में साथ रखेगा। बेटी होने पर खुश हो जाए, बेटी होने पर खुश होने का यह मुकाम मिला, बेटी होने पर खुश हो जाए। तो अब ये देखे, ये मुकाम नबी करीम सल्लम ने बेटियों को अता फरमाया। नबी करीम सल्लम कहे जिसके घर में बेटी हो और वो बेटी होने पे खुश हो जाए वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा करीब। दोनों उंगलियों का इशारा करके बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखें
बेटियों का ये मुकाम था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकाम अता फरमाया बेटियों। और आज भी वो नहुसत अपने लोगों में है, बेटी हुई तो मुंह फुला लेते, आज भी है। अगर ये है तो मुशरिक मक्का के तरीके पे है, आज भी शहर हैदराबाद में दूसरी जगहों पर आज भी ये मुशरिक मक्का के तरीके पर बेटी होने पर सास के ससुरे के और शौहर के ननन ये जितने भी नाम है मुझे याद भी नहीं आ रहे, ये पूरे मुआ फुला लेर के बैठे हुए थे, ये मुशरिक मक्का के तरीके पे चल। दूसरी बेटी हो गई तो और मुंह फूल जाता। कुछ लोग तो ऐसे हैं बेटियां हो रही बोल के तलाक दे दे रहे, बेटियां हो रही बोल के जुल्म कर रहे, बेटियां हो रही बोल के पता नहीं क्या क्या स्टेप्स ले ले रहे। तो ये जो बेटी होने पर ये जितने मसाइल कर रहे हैं ये मुशरिक मक्का के तरीके पे, वो लोग भी क्या करें, अल्लाह को भी माने माबूदा भी रखे, अपन भी अल्लाह को माने माबूदा रखे, इसीलिए वो तरीके पे चल रहे अपन। उनका ही तरीका है ना, जो अल्लाह को भी बोला अल्लाह है, माबूद भी बुता बना लिया, ये भी है वो भी है ये भी है, तो बेटियों से चिड़ पैदा होती, अल्लाह ही इलाह है वो तो बेटियों से मोहब्बत होती, अल्लाह इलाह है बोले तो बेटियों से मोहब्बत होती। तो अब देखें हमारे अंदर बेटियों से चिड़े तो मुशरिक मक्का का ईमान है, वही ईमान क्या है उनका कुछ भी नहीं है, यकीदा अकीदा बोलेंगे, मुशरिक मक्का का अकीदा है, वो अकीदा क्या था, अल्लाह भी है बुता भी है, वो अकीदे पे है, वो अकीदा क्या है, शिर्क है वो अकीदा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, खुली हुई बात है, समझने की बात है, समझने आ रही सबको बराबर बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भी और बेटियों को भी औरतों को भी ये मुकाम अता फरमाया। और वो बेटी क्या हो गई, बाप खुश हो तो बाप जन्नत में जाएगा, माँ बन जाए तो माँ के खदमों के नीचे जन्नत है, ये मुकाम अता फरमाया, ये मुकाम अता फरमाए। तो ये जो है ना अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला हमें सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आज बेटियों के बारे में समझने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहली बेटी है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल देखेंगे सीरतुल नबी से, सीरतुल नबी से ला इलाहा इल्लल्लाह की भी तजदीद करना है हमें, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी तजदीद करना है, सीरतुल नबी से दीन की फहम भी हासिल करना है, ये तीनों चीजों का एक ही जुज है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, ज़ाहिरी उम्र मुबारक 30 बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला बिनते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपकी विलादत हुई, आपने अपने वालिद की बड़ी मदद फरमाई, हमेशा साथ दिया है, शोएब अबी तालिब में साथ रहे, बहुत सारी चीज़ों में आपने अपने वालिद की मदद फरमाई। जब मुशरिक मक्का आपको सताते तो आप पानी लेके चले जाते बाबा के पास और अपने पल्लों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना पोंछते, या गर्द वगैरह होती तो पोंछते, में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ताला तेरे वालिद को इज्जतों से नवाजेगा, अल्लाह ताला तेरे वालिद को फतूहात से नवाजेगा। ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हौसला पैदा होना, मोटिवेशन पैदा होना, नबी करीम सल्लम की सीरत, अहले बैत की सीरत, मोटिवेशन पैदा होना, हौसला पैदा होना, हम सबसे लड़ने का हौसला पैदा होना, कमजोरियां पैदा होना, ये नहीं है बयानात करके कमजोरियां पैदा नहीं करने, सबसे मोटिवेशनल स्पीच से चलते हैं थे, मोटिवेशनल स्पीच से सबसे बड़ी मोटिवेशनल जो चीज है वो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोटिवेशन ही मोटिवेशन है इसमें, जिंदगी में मोटिवेशन। आपका जो निकाह हुआ, आपका निकाह हुआ हजरत हजरत अब्दुल हजरत अबुल आस बिन रबिया रजी अल्लाह तआला, आपका निकाह किसे हो, हजरत अबुल आस बिन रबिया रजी अल्लाह तआला से आपका निकाह हुआ। इसमें दो इख्तलाफ है मगर हम जो है ना हम मोहब्बतों वाली बात करते हैं, इख्तलाफ वाली बात नहीं करी। ये जो आपके दामाद है, पहले दामाद नबी करीम, आपका जो पहला लकब यही है कि दामाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे जो बेटी हुई है हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला, क्या नाम है उनका, हजरत उमामा। हम हसनैन करीमैन के बारे में सुने ना, अब हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला के बारे में भी सुने। आपकी ये नवासी होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासी होना,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना मोहब्बत फरमाते हैं आपसे कि मस्जिद नबवी में जब जाते नमाज के लिए तो नवासी को साथ लेके जाते हैं। और नवासी कहाँ पर होती? कंधों पर, आपके कंधों मुबारक पर होते, जहाँ मोहर नबूवत है वहां पर नवासी बैठ रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू फरमा देते, साहब आपको जमात कराते जमात, अब जब रुकू में आते तो नवासी को उठाकर बाजू ठहरा देते, फिर सजदे में जाते जब खैदे में बैठते तो गोद बिठा लेते, फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो नवासी को उठा के कंधों में बिठा लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। एहसान क्या है? तो अल्लाह की इबादत ऐसा कर जैसा कि अल्लाह को देख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तो गोया के देख रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह ताला का दीदार फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का डायरेक्ट दीदार फरमा रहे हैं। वैसे दीदार में वैसी नमाज है, नबी की नमाज है, मामूल अंबिया है, वैसी नमाज में नवासी शामिल है। कंधे पर है, फिर बाजू है, फिर कंधे पर है, फिर गोद में है नमाज में। तो यह बताया क्या गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसनैन करीम नवासे भी हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी भी है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हूँ। नजाशी से एक हार आया, नजाशी से, वो हार जो है ना बड़ा कीमती और ज़बरदस्त हार था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अहले बैत में से ये हार उसको दूंगा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब सब लोग ने ये उम्मीद लगाई कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को ये हार जाएगा, मगर आपने सैयदा उमामा रजी अल्लाह तआला जो ज़ैनब रजी अल्लाह की बेटी है उनको अता फरमाया। तो ये जो है ना नवासी से मोहब्बत, तो बात क्या है, बेटी से मोहब्बत और बेटी के बेटी से भी मोहब्बत, नवासी से ही मोहब्बत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत बताई। इसीलिए देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ये जो ज्यादा जो मोहब्बत होती है ना वो ननियाल से ज्यादा होती है, मगर ये दादियाल का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, उनके खिलाफ नहीं है, वो एक बात है तो बता दिया, मगर होता तो दोनों से, करने वाले तो सब करते, नहीं करने वाले नहीं करते, मगर ये सारी चीज़ें होती है। सल्लु अला नबी सैयदना अबुल आस बिन रबिया रजी अल्लाह तआला, जब शुएब अबी तालिब का मौका पड़ा तो आप क्या करते, रात के टाइम पे ऊँट में तोशा चीज़ें डाल के ऊँट को वहाँ पर शुएब अबी तालिब की तरह दौड़ाए थे, दामाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो मेरा दामाद है इसने दामाद होने का हक अदा कर दिया, ये दामाद है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि दामाद होने का हक अदा कर दिया। शुएब अबी तालिब में जितनी मदद आपने की कोई और ने नहीं की, चुप कैसे जो ना ऊँटों को तैयार करते, सामान लादते, उसमें उधर हकाल लेते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता हो इस तरह से नबी करीम। मगर बदर के मौके पर जैसा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को लेके गए थे, इसी तरह से कुफार मुशरिकीन इनको भी लेके गए, बदर के मौके पर गए, कैदी बने, बदर के कैदियों में आप शामिल हुए, तो आपने फैसला फरमाया कि फिदिया दे के छुड़िया में बस जो हमने उनवान की तरफ आते फिदिया दे के छोड़ना है। तो फिदिया के लिए क्या हुआ, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने वो हार भेजा जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह उम्मुल मोमिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने शादी के वक्त पे तोहफा दिया था। जो हार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें उम्मुल मोमिन से कितनी मोहब्बत है, उम्मुल मोमिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का जब हार देखे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, ऐ सहाबा की मुख़्तदर जमात, क्या तुम्हारा मशवरा हो तो मैं ये हार वापस कर दूँ? तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये हार की हमारी जिंदगी आप पर कुर्बान है, आप जो फैसला करना चाहे करें। तो आपने फैसला ये किया, हजरत अबुल आस बिन रबिया रजी अल्लाह तआला को कहा कि ये हार पकड़े, अभी ईमान नहीं लाए थे, ये हार लें, फिदिया नहीं चाहिए, ये वापस जाए, आप हार वापस कर दें मेरी बेटी को, मगर शर्त ये मेरी बेटी को मदीना भेज देना, मेरी बेटी को मदीना भेज देना। तो वो वापस गए, ज़ैनब रजी अल्लाह तआला को मदीना भेज दिया। तो हिजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला की हिजरत ऐसी हुई, जब यहाँ पर आए तो फिर एक बार ऐसा हुआ, हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला काफिला लेके मुल्के शाम गए, तिजारत का सामान वापस हो रहे थे, तो सहाबा इकराम ने उस काफिले को अपने कब्जे में ले लिया। आप वहाँ से बच के निकल गए, मदीने में आ गए, रात में ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के घर में आ गए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह सुबह मस्जिद नबवी में औरतों के साथ नमाज के लिए पहुँचे, नमाज के बाद आपने ऐलान किया कि मैंने अबुल आस बिन रबिया को अमान दे दी है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं, औरतें भी साथ नमाज पढ़ती थी, तो आपने ऐलान किया कि मैंने अपने शौहर को अब हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह बिन रबिया को मैंने अमान दे दी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ
मुतवज्जो होकर फरमाया, क्या तुमने सुना है अभी जो बात आई है? बोले साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह हमने सुना है, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, तो तुम गवाह रहे ना, मैंने भी उसको अमान दे दिया जिसको जैनब ने अमान दे दिया। तो अमान मिल गई, तो आपको अमान मिल गई थी, फिर आपकी बारगाह में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके बोले, या रसूलल्लाह सल्लम, ये तिजारत का जो सामान था लोगों की अमानतें हैं मेरे पास, मेहरबानी फरमाए मुझे वापस फरमा दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि सामान पूरा, देखो दामाद रसूल की कितनी मदद की जा रही, क्योंकि उन्होंने वहां पर शोएब बिन तालिब में पूरा ख्याल रखा था, तो वापस कर दिया गया। आप मक्का पहुंचे, मक्का पहुंच के सबका अमानत सबको वापस करके बोले, सबको सामान मिल गया, मुनाफे के साथ मिल गया है, कोई किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, किसी पे मैंने जाती तो नहीं की। तो सब ने कहा, हम गवाही देते हैं आप बेहतरीन हैं, अमीन हैं, सादिक हैं, आपने अच्छा सौदा किया, हमारा सामान हमें मिल गया। तो आपने कहा, अब तुम गवाही रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गुलाम रसूल हो चुका हूँ। अब आपने मुसलमान होने का ऐलान किया। फिर कहा, मैंने मदीने में इसलिए कलीमा नहीं पढ़ा कि लोग यह ना समझे माल लेने के लिए कलीमा पढ़ा है, मैं इसलिए मक्के में पढ़ा ताकि तुम्हारा माल भी दे दूं, और तुम्हारे सामने इसलिए कलीमा पढ़ रहा हूं, मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, मुसलमान हो रहा। बड़े बहादुर थे आप माशाल्लाह। फिर आपने गज़वे खैबर में आपने हिस्सा लिया, हुनैन में हिस्सा लिया, फतेह मक्का में साथ थे, और जब मुसलमा कज़्ज़ाब की बारी आई थी उस जंग में भी आप साथ थे, वहीं पर शहीद हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े, तो जैनब, हम जनाब अपने उनार बताते हैं, सैयदा जैनब रजी अल्लाह तआला, तो ये बेटी है नबी करीम, आपने फरमाया ये मेरी बेहतरीन बेटी है मेरी। जब आपका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई। तो 31 ईयर्स में आपका इंतकाल हुआ, कितने 31 ईयर्स में। नबी करीम सल्लम की तीनों शहजादियाँ नबी करीम सल्लम के हयात ज़ाहरी हयात तैयबा में ही इंतकाल हुआ, तीनों शहजादियों का, बहुत बड़ी बात है। तो नबी करीम सल्लम की जिंदगी उसवे हसना है सीरतुलनबी सल्लम, कोई ये नहीं कह सकता, किसी को भी कोई तकलीफ हो ना, किसी को प्रॉब्लम हो, वो नबी की सीरत को देखेगा ना, उन बोला मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात वो अल्लाह के बाद जिनका मर्तबा है वो हमारे आखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप ये नबुवत का काम कर रहे हैं, 140,000 अंबिया आ गए, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, अब आप पे पूरी जिम्मेदारी दीन मुकम्मल करना है, इतना बड़ा काम है नबुवत का, इतना बड़ा काम नबुवत का करते हुए बीवियां भी खुश है, बेटियां भी खुश है, दामाद भी खुश है, रिश्तेदार भी खुश है, सबके हुकूक अदा है, सबको वक्त दिया जा रहा है, और नबुवत का काम भी हो रहा है, अल्लाह को भी वक्त दिया जा रहा है। हम थोड़ा दीन सीख ले तो हम बीवी गैब, बच्चे गैब, मैं ये कर रहा हूं, बच्चे नहीं आना मेरे पास, बीवी नहीं आना मेरे पास, ये कौन सा दीन सीख रहा भाई तू? नबी करीम सल्लम का दीन तो ये है कि सबको लेकर चल रहा है, सबको देख रहे हैं। अब तू नया दीन बना लिया तो तेरा दीन अलग होगा, मेरे आखा का दीन तो सबको लेकर चल रहा है। रूहानियत तो दिन में है ही नहीं, रूहानियत तो दिन में है ही नहीं, सबको लेके चलना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी शहजादी का भी जिक्र कर लेते हैं, बेटियों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से मोहब्बत फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासी से भी मोहब्बत फरमाई। सैयदा रुखिया रजी अल्लाह तआला, ये दूसरी बेटी, दूसरी शहजादी। आपका निकाह पहले अबू लहब के बेटे से हुआ, विदाई नहीं हुई पहले, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, मगर विदाई कब हुई? बाद में हुई, एक मिसाल समझने के लिए। तो अबू लहब के बेटे से निकाह हुआ मगर विदाई नहीं हुई। अबू लहब बदमाश था, बेईमान था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करता था, तो उसकी मजम्मत के लिए सूरह तब्बत यदा अभी लहाबियों तब नाजिल हुई, तो उसको बड़ा गुस्सा है कि मेरे मजम्मत ने सूरह नाजिल हुआ है। तो बेटों को बोला, दूसरी बेटी उम्म सैयदा हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला दूसरे अबू लहब के दूसरे बेटे के निकाह में अभी विदाई नहीं हुई, दोनों की भी, दोनों शहजादियों की विदाई नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ, सिर्फ निकाह हुआ, अबू लहब के दोनों बेटे हुए। दोनों बेटों को कहा कि निकाह तोड़ दे, निकाह तोड़ दिए। जो दूसरा था, दूसरा बेटा निकाह तोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कलाम किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक को पकड़ा और खींचा, तो जुब्बे मुबारक फट गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
तो नबी करीम सल्लम पर तशद्दुद किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, या अल्लाह तू अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इसे मुसल्लत फरमा। जब यह बात सुन लिया अबू लहब तो वो डर गया कि भाई ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है, जब आप कहते तो वो कबूल ही होती है। तो वो सफ़र के लिए निकले वो लोग मुल्के शाम, सबको बोला मेरे को जो ना डर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुआ दी है, दुआ कहेंगे हम दुआ दी है, तो ये दुआ इसको लगे, इसके लिए दुआ बहुत बुरी है। तो वो जो है ना आपने उसने क्या किया, तमाम काफिले को जमा किया, बीच में बेटे को रखा, सब कुछ हिफाजती किया। जब ये लोग सो गए तो अल्लाह ताला ने शेर को भेजा, शेर सूंघता हुआ आया इसके बेटे के पास, आया इसके बेटे को फाड़ दिया और चला गया। बाद में शेर को तलाश करे, शेर कहाँ से आया कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। तो आपकी जो हजरत रुखिया रजी अल्लाह तआला का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से हुआ। फिर रुखिया रजी अल्लाह तआला जंग बदर में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला शामिल है, मगर रुखिया रजी अल्लाह तआला की खिदमत में है, वहाँ पर खिदमत में होते हुए भी शामिल है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना, अल्लाह ताला ने आपको ये इजाज़त फरमाया कि जंग बदर में ना भी हो तो शामिल है। इख्तियारात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला बदरी सहाबी कहलाएंगे मगर गज़वे बदर में शामिल नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात है। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुछ करें ना करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहीं भी पहुँचा सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को घर पे रोका, वहाँ पर रुखिया रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर में मसरूफ़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर में मसरूफ़ है, बेटी के तदफीन में हाजिर नहीं हो सके, किसके लिए, उम्मत के लिए। तो हम ये चीज़ों को देखें कि जो ना दीन हमें ना बड़े आसानी से मिल गया, समझ रहे हैं हम इसको ईजी ले रहे हैं, हम दुनिया पर जो है ना दुनिया की तरजीह देते हैं, इसको जो है ना पीछे रख देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला, अब आपका ये लखब है, असली नाम तो किसी को भी नहीं मालूम, उम्मे कुलसुम कहा गया, मगर आपकी बेटी से नस्बत नहीं है, फिर उम्मे कुलसुम कौन है? तो आपके बारे में बताया जाता है इतने खूबसूरत थे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, तो कहा गया है उम्मे कुलसुम, खूबसूरती की जड़, खूबसूरती की माँ, खूबसूरती की असल, खूबसूरती की जो असल है वो तीसरी शहजादी आपकी। इसीलिए आपका नाम ही क्या है, उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा। फिर आप हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के निकाह में आए, तो सारा मामला इस तरह से। तो बात क्या है कि बेटियों का जो मुकाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटियों से मोहब्बत फरमाई और बेटियों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो तीन शहजादियों को हम भूल जाते हैं, तीनों शहजादियाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ हैं, शहजादियाँ हैं। और कोई एक ऐसी बात भी कर रहे हैं कि सिर्फ असल हकीकी बेटी सिर्फ सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने, वो दूसरे हकीकी बेटी नहीं, ये भी एक फितना निकल रहा है, ये भी एक फितना है, हमें पता होना चाहिए। हकीकी बेटियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार है, एक नहीं है, ये जो एक कहना फितना है। नबी करीम सल्लम की हकीकी बेटियाँ कितनी हैं, चार हैं, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला, सैयदा रुखिया रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला, सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। ये चार बेटियाँ नबी करीम सल्लम की हकीकी बेटियाँ हैं, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से हुई। सल्लु अला नबी। कुरान से कुछ आयतें रख के ना इंशाल्लाह अपनी बात को मैं ख़त्म करने की तरफ आता हूँ। सूरे बकरा आयत नंबर 146। जिन लोगों को हमने पहले से किताब दी है वो इस असूल को ऐसा पहचानते हैं जैसा अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक उनमें से कुछ लोग जानबूझकर हक छुपाते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पहचानते हैं, यहूदियों के लिए जो मदीने मुनव्वरा के जो यहूदी थे उनके बारे में बताए, ये पहचानते हैं कि नबी आखिर जमा है मगर छुपा देते हैं। तो वो जो यहूदियों की आदत थी, मुशरिक के मक्का की आदत यहाँ पर ट्रांसफर हुई, इसी तरह से जो यहूदी थे मक्का के जो जानते थे फिर भी छुपाते थे, वो इस तरह की आदतें आज भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे जानते हैं मगर छुपा देते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे रिसालत को जानते हुए छुपा देना,
ये वो आदतें आज भी कुछ लोगों में, इशारा देके मैं आगे निकल रहा हूँ। सल्लू अला नबी, सूरह यूनुस आयत नंबर 16। फिर देखो मैं उस मामले से पहले तुम लोगों में एक पूरी उम्र बसर कर चुका हूं, क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो उम्र मुबारक 40 साल ऐलान नबूवत से पहले जाहिरी जो 40 इयर्स आपने गुजारी मक्का में, नबूवत की दलील में वो पेश कर रहे हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 16 देखें क्या फरमा रहे हैं, नबूवत की दलील, अल्लाह की उलूहियत की दलील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरहान है, दलील है, क्या पेश कर रहे हैं दलील में? सूरह यूनुस आयत नंबर 16। फिर देखो मैं इस मामले से पहले यानी ऐलान नबूवत से पहले तुम लोगों में एक पूरी उम्र बसर कर चुका हूं, क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत की दलील में 40 साल को पेश कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान गुजारा है। सादिकुन अमीन पुकारते थे, सादिक पुकारते थे, अमीन पुकारते थे। तो आप वो बता रहे हैं कि तुम लोगों ने देखा नहीं मैंने कैसी जिंदगी गुजारी, तुम में से कोई है ऐसा जैसा मैंने जिंदगी गुजारी है? तुम में से कोई ऐसा है जो देखा है मुझे, मेरे जैसा किसी को देखा है? मेरे जैसा छोड़ो, मेरा साया भी नहीं देखा तुम लोगों ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील पेश किया। तो हमारे लिए भी क्या आलम, अगर हम दीन का काम कर रहे हैं ना, हम अगर दीन का काम कर रहे हैं तो हमारी दलील पैदा होना पर अमल से, तो अमल भी दलील है। हुजूर गौसे आज़म सगीर अज़म फरमाते तो जबान से नसीहत नहीं कर, अपने अमल को जबान दे। जब हम अपने अमल को जबान देते हैं ना, तो देखिए घर में बोल रहे सबको नमाज पढ़ना वो नहीं करना, माँ बाप की फर्माबरदारी करना। हर माँ बाप को क्या होता, हमारे बच्चे अच्छे रहना, नहीं गुनाह करना, फर्माबरदार रहना। खुद टीवी देखते, खुद पूरे गंदे चीज़ें करते, खुद नमाज नहीं पढ़ते, मतलब खुद कुछ नहीं करेंगे और बच्चे सही हो जाना। तुम मतलब ये हमारी ख्वाहिश है, हम मस्त रहेंगे, पूरे कामा करेंगे, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, लड़ेंगे, बच्चे पूरे देखते रहते, बच्चे बहुत होशियार है, बच्चे 6 महीने वाले भी, 6 महीने का बच्चा भी होशियार हो गया, उन भी देख रहा, 1 साल का बच्चा भी देख रहा, 1.5 साल का बच्चा भी देख रहा, सब देख रहे। अब उन समझता है अरे बच्चा है ना, बल्कि पूरे करके आया। उन जब बड़ा होने के बाद उन बोलता है तुम जो करे थे ना, रिवाइंड कर रहा हूँ, बल्कि रिवाइंड कर देता हूँ, मगर सूरत भी दबी खाली, इन्होंने पहले कर रहे थे, अब बच्चा कर रहा, बच्चा थोड़ा एडवांस हो गया, पहले इन्होंने थोड़ा कम कर रहे थे, ज़्यादा कर रहा, इतना ही फर्क। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अमल, अमल को तबलीग के लिए अपने अमल को हमने जबान देने, सल्लु अला नबी। एक मोटिवेशनल आयत है ताकि जरा हमारी मोटिवेशन हो जाए जिंदगी में, सूरह नहल आयत नंबर 79। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये भी मोटिवेशन है। सूरह नहल आयत नंबर 79, क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो आसमान की हवा में मुसक्कर हैं, उनको उड़ते वक्त अल्लाह ही थामे रखता है, बिलाशुबा ईमान वालों के लिए इस बात में अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां। क्या फरमा रहे, मोटिवेशनल आयत है, वो मोटिवेशनल स्पीच है, ऐसा बोला उन्हें ऐसा बोला, अरे अल्लाह ताला कैसा मोटिवेशन आयत बता रहे हैं, देखो मिसाल देके बता रहे हैं। परिंदों को देखे आसमान में जो लोग उड़ रहे हैं, जमीन आसमान के बीच में वो लोग है, कौन था हम समझ रहे हैं उड़ रहे हैं, अल्लाह उनको थामे रखे थे, अल्लाह ताला कहे मैंने उनको थामे रखा है, ये ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। तो वो लोग बगैर किसी सहारे के उड़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं परिंदा उड़ रहा है, ईमान वाले देखते अल्लाह इसको उड़ा रहा है। जब अल्लाह ताला इसको बगैर किसी से उड़ा रहा है, जब मेरे को भी अगर तरक्की करना है तो अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा, वो निशानी है। तो परिंदों को ऑफिस जाते रहते, परिंदों को देख के वरना कोई टेंशन नहीं है, कहीं रहे ना रहे, अब परिंदों का गुजारा नहीं है तो मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ, मेरे साथ अल्लाह भी है, रसूल अल्लाह भी है, अल्लाह ने मुझे वादा करके भेजा है कि मैं तेरा रबू, देख मैं हूँ, मैं हो तो नहीं बोले अल्लाह ताला मैं हूँ बोला, मौला जो समझा फैसल अल्लाह फैसल था, अल्लाह ताला ये नहीं बोले मैं होता हूँ, होता होया तो देखना, मैं हूँ बोले अल्लाह ताला, तू तू देख ना देख मैं तो हूँ, तू देख लिया तो ईमान वाला, नहीं देखा तो बेईमान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो परिंदे उड़ रहे हैं भाई, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59, बिस्मिल्लाह अर्रहमान, ऐ पैगंबर
अपनी बीवियों और बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दो। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादियों का जिक्र है। यहाँ पर क्या है? वबनातिका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादियों का जिक्र कुरान में भी आया है इस आयत के जरिए से। क्या बोल रहे? ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दो कि बाहर निकले तो अपनी चादरें अपने सरों पर से नीचे लटका लिया करें। ये पर्दे का हुक्म आया। तो मगर यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों का भी नाम आया है, व बनातिका, इस लफ्ज में बेटियों का भी आया। और ये वर्ष जो है ना, तीन या तीन से ज़ायद हो तो ये लफ्ज यूज़ होता है उलमाए करम। अब अपन तो कोई अरबिक के माहिर नहीं है, मगर जो अरबिक के जो माहरीन हैं उन्होंने कहा ये जो वर्ड है ये तीन या तीन से ज़ायद हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो नबी करीम सल्लम की हकीकी बेटियाँ कितनी हैं? चार। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ना बेटियों का, और एक चीज़ क्या है ये बताया उलमाए कराम, एक बेटी को आपने प्यार किया, हाथ पे प्यार किया या माथे पे प्यार किया, और चार बेटियां हैं तो नाइंसाफ़ी होगी। तो अगर एक को प्यार किया तो और तीनों को भी प्यार करना, खाली प्यार किया हाथ को चूमा बेटी के या बेटी के सर को चूमा, एक को चूमा तीन को नहीं चूमा तो नाइंसाफ़ी की उसने, नाइंसाफ़ी। एक और वाकया है, नबी करीम सल्लम की बारगाह में एक शख्स आके बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बेटे को ना एक घोड़ा या ऊँट तोहफे में दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम मुझे जुल्म पर गवाह ठहरा रहे हो? तुमने जुल्म किया, जुल्म पर गवाह ठहरा रहे हो? बोले या रसूलल्लाह, मैंने बेटे को तोहफा दिया, बेटे को तोहफा दिया, ये जुल्म। बोले तुम्हारे कितने बेटे हैं? दो है, तुम एक को दिए दूसरे को नहीं दिए, और वो जुल्म करके मेरे को गवाह ठहरा रहे हो? अगर बेटे को देना है तो दोनों को देना, ना तो उससे ले लो। मतलब एक घोड़ा हो या एक प्यार हो, सबको देना, एक को दिए तो नहीं होता, जुल्म हो जाता, फिर सबको देना है। तो हम ये भी देखें कि हम अपनी बेटियों के साथ, एक पसंदीदा बेटी है ठीक है, पसंदीदा बेटी है तो पसंदीदा है, दूसरे वो भी बेटी है आपकी, तो उसको अगर आप कुछ दे रहे हो, एक प्यार भी दे रहे हो तो सब उसको भी देना है, ये इंसाफ करना है। इसी के साथ ही बात को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ जो कुछ भी कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमा, सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, और इसे कबूल फरमाने वाला इसमें जो गलतियों से माफ़ फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, रहमतिक या अरहमर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह।